अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, अब कबूतर खोलते हैं गाइस। आज अपना फुलसरा कबूतर भी खोलेंगे, जो अपना भाग के आया था उसका भी रिएक्शन देखना है क्या है। और गाइस उसको निकालते हैं, अभी बैक कैमरा करके आपको दिखाऊं। गाइस मुर्गी उर्गी बंद कर दी है, छत भी काफ़ी गंदी है और गाइस इसके ऊपर भी काफ़ी फैला हुआ है। अभी इसको बिल्कुल कायदे से हम लोग सेट करके बना देंगे, उसको थोड़ी बाद में बनाएंगे, उसकी भी वीडियो आ जाएगी बाद में बनाएंगे। और गाइस ये जो चूज़ा था गाइस, इसको मैंने ऊपर रख दिया गाइस। ये रहा गाइस, आपको बता दूँ, ये रहा छोटा चूज़ा जो नीचे रखा था, आपने कल की वीडियो में देखा था गाइस, इसको मैंने ऊपर रख दिया गाइस। और गाइस मुर्गी को अभी मैं खोल के बंद कर चुका हूँ गाइस, इन सबको दाना पानी दे के। और इन वाले चूज़ों को भी गाइस, छत काफ़ी गंदी हो रही है, इसको भी साफ़ करना है। अब कबूतर खोलना है, कबूतर खोलते हैं वहाँ पे बंदर। आज का इस कबूतर सात आठ दिन से ज़्यादा दिन के बाद खुलने वाले हैं कायदे से। अब इनको निकालते हैं, चलो इधर आ जाता हूँ मैं, फिर निकालता हूँ। ये बाल्टी उठा लेते हैं गाइस यहाँ से। और गाइस उसमें दो कबूतर, दो जोड़े बंद है गाइस, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ क्यों बंद है। वो जोड़े लगने के लिए बंद हैं गाइस, इसलिए अब ये निकाला सारे। वो बंदर कबूतरों के पल पर भी नहीं चल रहे हैं गाइस, कायदे से इतने दिनों बाद निकले। चलो ये निकलो, चलो निकलो, ये निकलो, निकलो निकलो, वो बाहर निकलो। बड़े दिनों बाद कबूतर भी निकले गाइस, पट्टा भी अपना। इसके अंदर गाइस कुछ कबूतर बंद है, उनको भी निकालना है अभी। पट्टा भी ये गाइस इसके पर सारे खींच दिए, इसको भी निकाल देते हैं गाइस। ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, बाहर घूमने लायक तो ही, चलो जाओ बाहर, क्योंकि उड़ लेता है गाइस रामपुरी बैठा अपने। ये इसको भी बाहर निकाल दिया। और गाइस इसमें कुछ जोड़े बंधे गाइस, उनको भी निकालते। चलो इसमें से तीन कबूतर, आह 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 आह, चलो निकलो निकलो निकलो, इसको रोक लेते हैं गाइस, बस इस कबूतर को रोक लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, इसको रोक लेते। चलो चलो निकल जाओ निकल जाओ, सारे निकल जाओ गाइस, सारे निकल गए। इसको रोक लिया गाइस, क्योंकि इसके थोड़ी सी पर काटने गाइस, क्योंकि ये कबूतर उड़ जाता है अपना गाइस, पहले भी उड़ता था काफ़ी तगड़ा। चलो बच्चे किधर बैठ रहे हो, ओए ऊपर ना बैठना, चलो उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। ये गाइस बच्चा ऊपर बैठ रहा था, चलो उधर चलो। चलिए गाइस अभी इसके पर काटते हैं, हमजाई को बुलाता हूँ फिर इसके पर काट। तो गाइस कबूतर के पर वर काट दिए गाइस, और कबूतर को आपको पकड़ के शौक भी नहीं कराया था जिस दिन भाग के आया था गाइस। और आपको पर भी दिखाते हैं कितने कितने काटे हैं, एंड गाइस शौक भी कराते हैं। कबूतर घूम रहा उधर, एक देखते हैं आता है उधर कहीं बैठ गया। एक कबूतर है फुलसरा सा, घूम रहा था सुबह से, अभी भी दिखा मुझे गाइस। अब इसको पकड़ते हैं गाइस, तो गाइस अब इसका शौक कराते हैं गाइस। उससे पहले ये देखिए अपना नया कबूतर ऊपर चढ़ चुका है गाइस, नया तो काफ़ी पुराना भी हो गया माशाल्लाह गाइस, काफ़ी टाइम पहले पकड़ा था। तीन तीन कली है, अब तो पर भी आ गए गाइस। ये देखिए रेड अनारी आँख है और काली चोंच है गाइस, काफ़ी अच्छा उड़ता हुआ कबूतर है गाइस। ये पर देखिए गाइस, गाइस इतने बस चार चार कलियाँ काटी गई, इसलिए कबूतर इसमें भी आसमान चला जाएगा, मगर इतने ही देर नहीं उड़ेगा कि हाइट पकड़े रहे। क्या है, किस कबूतर के खून निकल रहे, मेरे निकल रहा, कबूतर के निकल रहे, पता क्या। देखो देखो इसके पैर में से नहीं निकल रहा, पैर में से इसके निकल, इससे पहले कौन सा कबूतर पकड़ा है, इससे पहले कोई कबूतर पकड़ा है, पकड़ा था रामपुरी, चेक करो उसके अंदर निकल रहा है। अभी चेक करो, किसी की अच्छी गली फूट गई होगी, इसका शौक करा देते गाइस। छः छः कली कर दिए गाइस, देखिए छः छः पर हैं सिर्फ। और गाइस इधर के दिखाता हूँ, इधर के भी वही सीन है, छः छः पर गाइस, दूँ खुली दूंगा कबूतर है गाइस। और गाइस इसके पंजे देखिए गाइस, इसी के देखो ये पर नीचे, पिछली बार पहले भी इसकी गाइस कली टूट जाती है गाइस, यहाँ से इसके खून निकल रहा है, वही मेरे को हाथ में लगा है। ये कोई ज़्यादा मतलब वैसी बात नहीं है, कच्ची कली मतलब इसकी उखड़ गई होगी किसी चीज़ से। तो गाइस काले पंजे, जामुनी पंजे, काले नाखून, ये कुछ कबूतर खड़ा है, काफ़ी अच्छा कबूतर है गाइस, अपने उड़ा हुआ गाइस। और अब कबूतर को रोटी देते, वो पहले ही खुद ही खा जा रहा है गाइस, उधर एक कबूतर जाके बैठा है। तो गाइस यहाँ पे इतना सारा मलबा पड़ा था गाइस, वो सारा हटा दिया गाइस, बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ, छत भी काफ़ी गंदी है इधर भी, और गाइस वो भी साफ़ करनी है गाइस। छत भी साफ़ हो जाएगी तब काफ़ी अच्छी लगने लगेगी गाइस, क्योंकि छत काफ़ी टाइम से हम लोगों ने साफ़ भी नहीं करी है। और गाइस इसके ऊपर भी काफ़ी फैला हुआ है, वो भी साफ़ करना है। और गाइस ये नया कबूतर उतरने से उसको भी उतार देना, ये भी पक्का हो जाएगा, मगर गाइस ये गुटकता भी नहीं है, पता नहीं क्यों, बड़ा अजीब सा कबूतर है। अगर ये ज़्यादा दिन गुटका नहीं गाइस तो फिर इसको हटा देंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है रखने से, क्योंकि गाइस अगर गाइस कबूतर गुटकेगा नहीं तो क्या फ़ायदा, उसका अच्छा ही नहीं लगेगा, फिर तो इसके बदले कोई और ले लेंगे या फिर इसको हटा ही देंगे। बस गाइस यहाँ की पूरी सफाई करनी है हम लोगों को, और उधर भी सफाई करनी है। जाल आज नहीं साफ़ करते हैं, जाल कल साफ़ करेंगे, क्योंकि
अभी थोड़ी बहुत मतलब इतनी भीड़ नहीं है, मतलब सफाई करने वाला इतना सीन नहीं है, जाल कर साफ करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे या कल तक ये पूरी सफाई कर दें, फिर आपको छत भी साफ सुथरी दिखेगी, मज़ा आएगा काफ़ी। अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में, जब इनको दाना पानी खिला के बंद करते हैं गाइस, वो पट्ठा माशाल्लाह आपको दिखाते हैं गाइस, काफ़ी माशाल्लाह प्यारा निकल रहा है गाइस, और ये बाहर भी आने लगे हैं, और ये भी तीरा पट्ठा भी बाहर आने लगा है माशाल्लाह। इनको अभी थोड़ा घूमने फिरने देते हैं, बड़े दिनों बाद खुले हैं, घूमने फिरने देते हैं, अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। दाना देते हैं गाइस और अंदर करते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ज़रा बोलो मैं बड़ी देर से गाइस, ये कबूतर है अपना शिराजी गाइस, दोबाज शिराजी, एक भाई ने कमेंट भी किया था बहुत पहले मको दोबाज, आज गाइस इसको किसी ने बहुत पीटा है गाइस, बेचारा बहुत मारा गया है गाइस, ये किसी और की पेटी में घुस गया, इसको खूब पीटा गया है गाइस, ये देख सकते हैं गाइस, इसके यहाँ पे पड़ के बाल नहीं है और इधर पड़ के भी बाल नहीं है गाइस, और गाइस ये कमज़ोर भी हो गया था काफ़ी, अब तो मजबूत हो गया गाइस, इसको उड़ भी नहीं पाता है अभी भी नहीं उड़ पाता है, इनको अंदर करते हैं, दाना डालेंगे तो सारे कबूतर आ रहे हैं, ये बच्चा गाइस सबसे लास्ट में जाएगा, मुझे पता है ये गाइस अभी किसी, तो गाइस आप इसको आपको इस बच्चे का ओवर व्यू कराते हैं, काफ़ी प्यारा बच्चा है गाइस, शौक इसका बाद में करेंगे, अभी तो ओवर काफ़ी छोटा ही है गाइस, उड़ लेता है इसको अभी, मतलब इसको गाइस अगर ये ऐसा ही रहा तो गाइस इसको उड़ाना नहीं है, बस इसको पर मतलब इसके बड़ी कलियाँ काट देंगे गाइस और इसको जोड़ों में डाल देंगे, क्योंकि गाइस ऐसे पट्ठे मस्त है गाइस, अगर जोड़ों में पड़ा रहेगा गाइस तो बड़ा मस्त हो जाएगा, जब ये पूरा पाक होएगा गाइस तब इसको जोड़ों में डाल देंगे, अब इसको छोड़ देंगे, दाना वाना खाएगा मस्त तरीके से, और सारे कबूतर गाइस अभी दाना खा रहे हैं गाइस, अब ये जब दाना खा लेंगे गाइस तो इनको सबको बंद बंद कर देंगे गाइस। बस आज की वीडियो में इतनी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। आज हम लोगों ने अपना फुलसदा कबूतर निकाला जो गाइस भाग के आया था, और गाइस हवा भी काफ़ी अच्छी चलने लगी है, बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।